थे, कैसे चाणक्य उनके गुरु बने थे और क्यों चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ने को कहा था। तो फिर आज हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे चाणक्य के सपनों को हकीकत में बदल दिया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। जहां सनातन धर्म चंद्रगुप्त महान को निम्न वर्ग का एक महान सम्राट मानता है, वही बौद्ध धर्म चंद्रगुप्त महान को एक क्षत्रिय मानते हैं और कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त को नंद वंश का वारिस मानते हैं। लेकिन जो भी हो, अखंड भारत के सपनों को सच करने वाला एक सूरमा था जिसका नाम था वीर विराट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट ने नंदों की सेना को पाटलिपुत्र में चकनाचूर करके रख दिया। इतिहास में महान कहे जाने वाले सिकंदर को संपूर्ण उपगढ़स्थान से वापस रवाना कर दिया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस पर धमाधम धावों के साथ अपने जीत के झंडे बुलंद किए और उसे दो बार बंदी भी बनाया। ईरान फारस से लेकर कश्मीर बंगाल से लेकर इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य सेना को इकट्ठा कर रहे थे, उस वक्त सिकंदर महाराज पोरस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। महाराज पोरस एक न्यायप्रिय और एक महान राजा थे और उसी समय चाणक्य कांधार और भारत के सभी 16 महान जनपदों को अखंड भारत की योजना बता के सिकंदर को कराड़ी टक्कर देने की योजना पर काम कर रहे थे, परंतु ये योजना सफल नहीं हो पाई। चाणक्य ने 16 महान जनपदों के राजाओं को कहा भी था कि आ जाओ अखंड भारत की सेना में शामिल हो जाओ ताकि हम सिकंदर को कराड़ी टक्कर दे सके, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाई और इसी कारण महाराज पोरस और सिकंदर के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ। यूनानी लेखों के अनुसार इस युद्ध के बाद महाराज पोरस ने चाणक्य के साथ संधि का हाथ बटाया। चाणक्य ने पुरु को अपने वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से परिचित भी करवाया। ईसा के जन्म के 323 साल पहले सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो फिर सिंधु, कांधार, ईरान, ऐसे बड़े बड़े देशों, शहरों जो भी कह लो, वहां पर सिकंदर के सेनापतियों का कब्जा था। तो फिर इसी मौके के इंतजार में बैठे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपनी छोटी सी सेना लेकर इन यूनानियों से टक्कर लेने चले गए पंजाब की ओर। और सम्राट ने यूनानियों को ऐसे ताबड़तोड़ हमले से बिल्कुल खत्म कर डाला कि उन्होंने पंजाब के इलाके को संपूर्ण खाली कर दिया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का पंजाब में भी शासन हो गया। इतिहास में इस चीज को राजद्रोह के नाम से जाना गया। इस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य की पहली विजय पर चंद्रगुप्त पंजाब के राजा बन चुके थे और चाणक्य प्रधानमंत्री, और इसी टाइम चाणक्य ने अखंड भारत का बिगुल फूंका। तो फिर इन्होंने पंजाब में एक शक्तिशाली विशाल सेना का निर्माण करके मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर सीधा आक्रमण करा और इसी महायुद्ध में धनानंद का वध हो गया। और इसी के साथ वीर विराट चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण पाटलिपुत्र पर अपनी विजय पताका लहराई और इसी के साथ मौर्य वंश का भी शुरुआत हुआ और इनका राज्य अभिषेक भी हुआ। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह इन्होंने अपने सैनिक अभियान भेजे और अब ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, वीर विराट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन चुके थे। सीरिया के शासक
अपनी सेना को भेजकर खुद भी अब सेल्यूकस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे तहस नहस कर दिया। सेल्यूकस कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। सेल्यूकस निकिटर चंद्रगुप्त के सामने खड़ा था, तो फिर बाद में चंद्रगुप्त ने अपनी हार स्वीकार करते हुए संधि की, और इस संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को इराक, कांधार और ऐसे राज्यों का राजा घोषित कर दिया। सेल्यूकस महाराजा से इतना डर गया था कि उसने अपनी बहन हेलेना का भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया और 500 हाथी गिफ्ट के तौर में भी दिए। और इसी घटना को सेल्यूकस की घटना बता रहा हूँ, और इसी घटना को शिकारी का खुद शिकार बन जाना कहा गया। प्लूटार्क ने सम्राट के बारे में लिखा है कि सम्राट की 6 लाख की विशाल सेना थी जो एक ही झटके में किसी भी राजा को अपने साम्राज्य में शामिल कर लेती थी। तो फिर इसी साम्राज्य विस्तार में भारत मौर्य काल के भारत में 12 वर्षों तक वहां एक अकाल पड़ा, और इसी अकाल में सम्राट अत्यधिक परेशान हो गए, और अंत में उन्होंने ब्राह्मणों और संतों की सभा बुलाई और अकाल से मुक्ति के मार्ग पूछे, और उसी सभा में जैन साधु भद्रबाहु पधारे। उन्होंने सम्राट से बोला कि सम्राट, ये इसका कारण है आपके कर्म। आपने अखंड भारत के सपनों को सच करवाने के लिए कई कई 16 महान जनपदों के राजाओं का वध किया था। तो फिर सम्राट ने उन जैन मुनि से पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि संथारा का मतलब कि भूखे प्यासे रहकर अपनी अंतिम सांस तक अपने इष्ट इराध्य का ध्यान करते रहना। तो फिर अंत में वीर विराट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर जंगल की ओर निकल गए। जैन धर्म की दीक्षा लेकर बिंदुसार इनका पुत्र था उस पे उसको अपना राजपाट देकर संथारा के व्रत के लिए कर्नाटका के घने जंगलों की तरफ निकल दिए, और इसी से सम्राट ने अखंड भारत पर एक छत्र शासन स्थापित किया था, और उन्होंने पर कलिंग और तमिल नीचे के कलिंग और तमिल को कभी नहीं जीत पाए थे, परंतु इन्हीं के पोते बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक ने अपने दादा का सपना पूरा करते हुए कलिंग विजय कर ली थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को खोलकर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दो